हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आज की क्लास में जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑफ कोर्स ये इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो वन बाय वन इस वीडियो के जरिए आप समझते चाहिए कि ये टॉपिक क्या है, कैसे समझना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैंने टॉपिक का जो नाम लिखा है वो है एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। इसे रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड भी कहते हैं। इस एम्पिरिकल वर्ड से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको डिक्शनरी में जाके चेक करूंगे आप, या फिर मैं इसे बताना चाहूं तो इसका मीनिंग होता है प्रयोगात्मक। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रयोगात्मक। इसका मतलब ये हो गया कि प्रैक्टिकली आपने पहले कुछ किया और उसका रिजल्ट बताया जा रहा है, यानी कि पहले इसे प्रैक्टिकल किया गया था, यानी कि इसको थ्योरिकल कॉन्सेप्ट्स में नहीं डाला, इसको प्रैक्टिकली किया, डेटा एनालिसिस किया, जो कि मैं अभी कराने वाला हूं, प्रैक्टिकली कराने वाला हूं आपको इस वीडियो लेक्चर में। फिर उसके बाद बताया कि मीन मीडियन और मोड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसको समझने से पहले हम जानते हैं कि इसके कितने पार्ट होते हैं। तो मीन मीडियन मोड के रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए दो मेजरली जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं पार्ट को। पहला है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसे को सिमेट्रिक कहते हैं। जैसे कि अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो मिरर में मेरी सिमेट्रिक इमेज बनती है, जो प्लेन मिरर है। अगर मैं जैसा हूं वैसी ही इमेज मेरी मिरर में मुझे दिखती है, सिमेट्रिक इमेज। लेकिन अगर प्लेन मिरर नहीं है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें आपकी इमेज छोटी या बड़ी दिख सकती है, उसे सिमेट्रिक नहीं असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया सिमेट्रिक क्या होता है। मैथमेटिक्स में भी इसको अलग अलग जगह पर डिफाइन किया गया है। जैसे कि पैराबोला, अगर आपने पढ़ा होगा तो पैराबोला एक सिमेट्रिक इमेज होती है। मैं आपको दिखाता हूं बना के, ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है, इसकी सिमेट्रिक इमेज ये देखो ऊपर की तरफ को है, इसकी सिमेट्रिक इमेज नीचे की तरफ बनेगी, ये आधा पैराबोला बना तो ये पूरा पैराबोला बन गया। देखो ये, यानी कि जितना ऊपर उतना ही जस्ट नीचे, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक। इसे और इसे सिचुएशन को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। जैसे कि मैं सर्कल की बात कर लेता हूं, चलो पैराबोला एक नया नाम सुना होगा, ये सर्कल है। यानी कि अगर मैं कहूं ये आधा सर्कल है, ये वाला आधा सर्कल है ना, सेमी सर्कल कहते हैं इसे, इसकी सेम इमेज इधर बनेगी, जितनी रेडियस ये है उतनी रेडियस ये होगी, जितना पार्ट ये वाला हिस्सा घेर रहा है उतना ही पार्ट ये वाला घेर रहा होगा, ये वाला घेर रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया ये क्या है, एक दूसरे के सिमेट्रिक है। तो आप समझ में, सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक कि उसका भाग अगर वापिस अगर मिरर के हिसाब से देखा जाए तो वो सेम मिले, तो उसे सिमेट्रिक कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। असिमेट्रिक जो सेम नहीं, जो लोग जैसे अगर इसी के केस में बात करूं, ये ऊपर वाला हिस्सा अलग है और नीचे वाला हिस्सा आप ऐसे बना दो, क्या ये सिमेट्रिक दिख रहा है, क्या ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम दिख रहा है, इसे कहते हैं असिमेट्रिक। ये डेटा में निकल के आया, ये सिमेट्रिसिटी और असिमेट्रिसिटी डेटा में निकल के आया, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए वेट करना। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, यहीं से नाम निकल के आता है स्क्यूड का। स्क्यूनेस एक टॉपिक का नाम पढ़ोगे, पहले स्क्यूनेस पढ़ोगे, फिर कोटोसिस पढ़ोगे, मोमेंटम पढ़ोगे, ये टॉपिक का नाम है। अभी इसको भी डिफाइन करेंगे जब हमारा वीडियो लेक्चर आएगा, प्रॉपर डिफाइन करेंगे हम। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, ये स्क्यूनेस और ये जो आपके सामने एम्पिरिकल रिलेशनशिप जो बनाया गया है, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप जब करोगे तो वो करोगे प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में शिफ्ट करेंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है, और ये जो फिगर्स आपको अभी मैं समझाने वाला हूं यही बनने वाली है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यानी कि यहां पर आज आप बेसिक समझ के जाए, जब मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करा रहा हूंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल अभी बात करते हैं मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और एक नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिव, ये भी समझेंगे। मेजरली आपने जाना कि मीन मीडियन और मोड को प्रैक्टिकली डेटा लिए गए, प्रैक्टिकली लिए गए, लेने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो इनका रिलेशन, और ये रिलेशन को आपने पहले सिमेट्रिक और फिर स्क्यू सिमेट्रिक सॉरी असिमेट्रिक। असिमेट्रिक का मतलब होता है कि ये जो है एक जैसा ना हो। इसके भी दो पार्ट थे,
यानी पॉजिटिवली स्क्यूड सिमेट्रिक और नेगेटिवली स्क्यूड सिमेट्रिक। तो आपको अपने जहन में जो बात रखनी है स्टूडेंट्स, वो क्या रखनी है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका रिलेशनशिप में, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रैक्टिकली तो अभी मैं कराने वाला हूं, बट जितना मैंने यहां पर लिखा है इतना समझ में आ गया आपको। तो आगे बढ़ते हैं, ये तीन मैंने आपके सामने हाईलाइट करके जो दिखाए हैं इसी पर ही आज डिस्कशन होने वाली है। आज की वीडियो में इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा और इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा। ये न्यूमेरिकल आपको किसी भी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे और टीचर्स भी कोशिश नहीं करते, एफर्ट नहीं करते कि न्यूमेरिकली इसको प्रॉपर डिफाइन करें। बस बच्चों को एजम्पशन बेस पर बताया जाता है ऐसा होता है, और क्योंकि सारे स्टूडेंट्स टीचर की बात पर भरोसा करते हैं जो कि करना भी चाहिए, तो वो अपनी मेहनत बचा लेते हैं, बच्चे अपनी मेहनत बचा लेते हैं उसे समझने के लिए। लेकिन आज मैं इस वीडियो लेक्चर में वो मेहनत करके दिखाऊंगा ताकि आपको ही नहीं उन टीचर्स को भी पता लग जाए। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ बुक्स में जो लिखा है उसके अजम्पशन बेस पर डेटा को सॉल्व करके बच्चों को बता देते हैं कि हाँ भाई डेटा तो नहीं है लेकिन हमने सॉल्व करा होगा, बट ये होता है। मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ऑफकोर्स आपके हाथ में, आप स्किप चाहे तो कर सकते हैं। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफाइंड नहीं किया जाएगा, बट मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करके मास्टर्स में जाएंगे, जब मैं एमकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, यदि आप रिसर्च पे करते हैं, अगर आप स्टैटिस्टिकल रिसर्च के डिपार्टमेंट में जाते हैं, तब ये डेटा की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी आपके लिए जरूरी है। तो न सिर्फ इस एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसे, क्योंकि एग्जाम्स में ये रिलेशनशिप यही खत्म हो जाता है, इतना ही है, कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है और खत्म। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आगे फर्दर क्लासेस में जब आप जाएंगे, हो सकता है आप स्टैटिकल कोई एंट्रेंस एग्जाम में बैठे, तो उस समय आपको इन चीजों की बेसिक जरूरत पता होनी चाहिए, आपको नॉलेज कि भाई एक्चुअली में रिलेशनशिप होता क्या है। दैट्स व्हाई मैं अफर्ड कर रहा हूं। तो पेशेंस रखिए और तसल्ली से आज की वीडियो को देखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आता है, सिर्फ ये नाम से पहचाना जाता है, ये रिलेशनशिप है, इसका इस्तेमाल टॉपिक्स के बीच में किया जाता है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक मैंने आपको प्रॉपर चीज की नॉलेज दी है, तो इसलिए इसी प्रस्पेक्टिव से देखें कि आपको नॉलेज लेनी है या एग्जाम्स के हिसाब से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन करने हैं तो नेक्स्ट वीडियो पर शिफ्ट कर जाइए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अभी फिलहाल चलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो बच्चे आप देखना शुरू कर रहे हैं, अभी माइंड फ्रेम उनका तैयार है कि हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो देखो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इस टाइप का कुछ डेटा से, जो डेटा हमारे पास होता है उससे इस टाइप का ग्राफ बनता है। डेटा कैसा होता है सर, उसमें एक्स होता है और उसमें वाई होता है। डेटा में एक्स और वाई होता है, एक्सिस में ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें भी एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस ये है आपके सामने, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और वाई एक्सिस ये है, इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये जीरो से शुरू होता है। यहां पर जो भी मेरे पास डेटा था, जो कि अभी आने वाला है, वो डेटा मैं सॉल्व कराने वाला हूं। अगर मान लीजिए कोई भी डेटा मैं लेता हूं जो कि सिमेट्रिकल फॉर्म में है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सिमेट्रिकल फॉर्म में है, तो ऐसा कर्व बनाता है। ये मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं अभी, है ना, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने कहा कि इसमें जो सबसे टॉप मोस्ट है, ये टॉप मोस्ट ये लाइन निकल के आ रही है, इसी जगह पर, इस पॉइंट पर ही मीन होगा। ये मीन का सिंबल है, देखो मैंने यहां लिख दिया है, मीन का सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं। मीडियन के लिए एम रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टैंडर्डाइज्ड है, बुक में यही लिखा है, और मोड के लिए एम करके और नीचे छोटा सा ओ बना देते हैं, मोड। मोड और मीडियन में फर्क पता रहता है, मीन का तो पता ही है। तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, क्या समझ में आया। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड इक्वल होता है, एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए, आपके यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आ जाए, आपको लिखा हुआ मिले क्वेश्चन में द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको समझ में आ गया सर ने बोला था उसमें मीन मीडियन मोड इक्वल होता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, ये एग्जाम में आता भी है। नाउ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये जो आपके सामने टॉप मोस्ट ये आपको दिख रहा है एकदम बिल्कुल टॉप, जो बीच में सेंटर में है, देखो यहां से धीरे 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 बढ़ते गए टॉप पे पहुंचे, फिर एकदम से वैसे ही जैसे बढ़े थे वैसे ही उतर गए, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एकदम से बढ़ गए, देखो आप गौर से देखेंगे, एकदम से चढ़ाई चढ़ दी आपने और फिर उसके बाद धीरे धीरे उतर रहे हो, यहां से धीरे धीरे उतर रहे हो, एकदम से चढ़े और धीरे धीरे उतरे, इसे कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा इसमें क्या होता है, तो
तो इसमें होता ये है कि यहां पर जो बीच वाली लाइन, ये सबसे टॉप मोस्ट जो दिख रहा है, ये टॉप मोस्ट देखो, मैंने एक बार इसे ऊपर से हाईलाइट करके दिखाया आपको ना, ये मोड कहलाता है। क्या कहलाता है? मोड। अगर मैं दूरी की बात करूं, यहां से सबसे नजदीक यही कहलाएगा। देखो गिनती करो, 1 2 3 4 5, ये सबसे नजदीक है मोड। उसके बाद इससे थोड़ा और ज्यादा दूर, यानी इससे बड़ा, इससे बड़ा कौन होता है? मीडियन होता है। मीडियन, ये रहा मीडियन। और उसके बाद कौन सी लाइन आती है? तो बेटा ये आती है आपके पास मीन। यानी कि इस केस में, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, सबसे छोटा होता है मोड, तो सबसे पहले आया, उसके बाद आता है मीडियन, उसके बाद आता है मीन। मोड सबसे छोटा, मीडियन उसके बाद, और मीन सबसे बड़ा। सबसे बड़ा मीडियन होता है, देखो सबसे दूर है ये, जीरो से सबसे दूर है ना, सबसे बड़ी संख्या। अब देख सकते हो, गिनती कर लो, 1 2 3 4, ये पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, 7 8वें नंबर पे, बड़ा इस तरफ से बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा अगर आपको ये स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है, मेरे हिसाब से आपको दिखना चाहिए, तो आप देखोगे जैसे ये इस लेफ्ट साइड लेफ्ट की तरफ को टिल्ड कर गया, झुक गया, ऐसे ही नेगेटिव राइट की तरफ टिल्ड कर जाता है, यानी कि राइट की तरफ झुक जाता है। देखो ना यहां पर हुआ क्या, जो डेटा है वो डेटा धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे 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 बढ़ेगा, और फिर उसके बाद एकदम से डाउनफॉल हो जाएगा, उसके अंदर एकदम से डाउनफॉल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये स्टेटिस्टिक्स की दुनिया का डेटा है कि एकदम से मार्केट ऊपर गई और एक फटाक से गिर गई। भैया उसका एनालिस करो, ये जो एनालिस चलते हैं ना, वो उसका बेसिक्स करा रहा हूं आज, सबसे बेसिक है ये। तो ये बात समझ में आई, डेटा एकदम से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और एकदम से गिर जाएगा। इस केस में क्या होता है बेटा, यहां जीरो से काउंट करेंगे तो सबसे पहले आएगा मीन, सबसे पहले आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको समझाऊंगा क्या होता है, ये है मीन, सबसे पहले यानी सबसे छोटा। ये निशान का मतलब है जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, तो मुंह खुला उस तरफ है, बंद इस तरफ है, तो ये छोटा है वो बड़ा है, है ना। उसके बाद दूरी कौन आ गई, ये आ गया मीन के बाद मीडियन, सॉरी मीन के बाद मीडियन, ये मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मीडियन के बाद क्या आएगा बेटा, फिर आएगा मोड। मोड तो बिल्कुल क्लियर है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मोड कहते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अभी समझेंगे सारी बातों। तो आई होप आपको समझ में आया, आई होप क्लियर हुआ कि हाँ एक्चुअली ये ऊपर पर से बताया मैंने, मैंने कहा ना मैं बेसिक से भी जाऊंगा बताने के लिए, आज की वीडियो को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा आपको। यहां पर सिमेट्रिक और असिमेट्रिक रिलेशनशिप के बारे में आपको पता लगा, मीन मीडियन और मोड, इसी पर आगे टॉपिक्स भी बनेंगे। अब आते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम था, अगर मैं यहां लिखूं थोड़ा सा रब करके, कार्ल पियर्सन। अब ये कौन भाई साहब जी आए, इन भाई साहब जी ने कहा है कि ये, अगर मैं इसको बोलूं क्योंकि आपको टाइम जरूर पता होना चाहिए ताकि आपको क्लियर हो कि हम टॉपिक्स को किस तरीके से सीखते हैं, तो ये भाई साहब जी 1857 के आसपास लगभग पैदा हुए थे जहां तक मुझे याद है, और शायद 1936 जो मुझे याद है, मैंने पढ़ा था कि 1936 के आसपास इनकी डेथ हो गई होगी। तो ये जो दौर था ये इनका जीवन काल है। अब इनके बारे में बात क्यों हो रही है भाई, जब हमारी तुम्हारी आपस की बात चल रही है, भाई साहब बीच में क्यों आ गए? एक्चुअली ये बीच में नहीं आए, इन्हीं की वजह से हम ये सब चीजें देख पा रहे हैं। ये कौन है, ये कार्ल पियर्सन का नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आप स्टेटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, बहुत ज्यादा बायो स्टैटिक एनालिसिस भी करी है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने जो भी सेक्शन में अपना योगदान दिया वहां पहले के टाइम पे स्टेटिस्टिक्स बेसिकली कनेक्ट विद द बायोलॉजी, बायोलॉजी से ही कनेक्ट करते थे हम उस समय, यही जानते थे। फिर बाद में धीरे धीरे ये मार्केट बिहेवियर में आया, फिर ये कॉमर्स के सेक्शन में भी चला गया अभी फिलहाल, और मैथमेटिक्स का तो ये मेन सेक्शन है ही। तो कार्ल पियर्सन ने क्या बोला, उन्होंने कहा भाई ये जो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें मैं एक रिलेशनशिप देखता हूं। उन्होंने कहा इसमें रिलेशनशिप तो आपने देख लिया, सीधा सीधा संख्या का रिलेशनशिप की बात हो रही है, ये न्यूमेरिकल बातें हो रही है, ये बातें ऐसी नहीं हो रही हवाबाजी वाली बातें, ये हवाबाजी नहीं चल रही है। अभी आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी कि न्यूमेरिकल कैसे हम देखेंगे इसे, थोड़ी वीडियो लेंथी होने वाली है पक्का, क्योंकि मैं आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में सब में मीन मीडियन मोड कराने वाला हूं, और ये आपको आता है, थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन तो होना है ना, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या कहता है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में सर कोई ऐसा रिलेशनशिप होता है, ये मोड मीन और क्या ना, मोड मीडियन और मीन के बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप होता है? कार्ल पियर्सन ने कहा हाँ होता है।
मैं बताऊंगा कैसा होता है, इधर आओ बैठो मेरे सामने। देखो इन्होंने कहा कार्ल पियर्सन ने कि मीन माइनस मोड, यहां देखो मीन ये रहा मोड ये रहा, मीन में से मोड को घटाएंगे, मीन माइनस मोड इज थ्री टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ओ क्या कह रहा है ये, कह रहा है मीन माइनस मोड इज थ्री टाइम्स मीन माइनस मीडियन। भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, क्या बोला मैंने, मीन माइनस मोड, देखो मैं बार बार रटवा रहा हूं, यही तो आएगा पेपर में, यही तो पेपर में आएगा जो मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप मेरे साथ साथ रिपीट करें। आप पेपर के जस्ट पहले फॉर्मूला याद करते हैं और पेपर में जस्ट आपके दिमाग से स्किप कर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। अभी आप समझेंगे कि कार्ल पियर्सन ने यह बोला था कि मीन में से देखो मीन और मोड दूर है, मीन माइनस मोड इसका जो गैप होगा, इनका जो डिफरेंस होगा, न्यूमेरिकल डिफरेंस जो मैं करके दिखाऊंगा आपको, इज थ्री टाइम्स अप्रोक्सीमेट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन आपको अभी पता लगेगा जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, धीरे धीरे नियरेस्ट जाओगे एग्जैक्ट के, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता पाया। इन्होंने भी अप्रोक्सीमेट डेटा लिया कि जनरली होता है, उसमें डेसिमल्स को इग्नोर मार देना और कुछ नियरेस्ट डेटा को भी इग्नोर मार देना, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बताया, मीन माइनस का मोड, मीन में से मोड को घटाएंगे जो दूर है उसमें से घटाएंगे, इज थ्री टाइम्स, ये तीन गुना है तो मैंने तीन उससे गुना करा दी ताकि दोनों के दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए। मीन माइनस मोड इज थ्री टाइम्स मीन माइनस मीडियन। इससे एक और नाम निकल के आता है, अगर आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे, तो इससे एक और फॉर्मूला निकल के आता है, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, थ्री मीन माइनस थ्री मीडियन, फिर मीन में से मीन को घटाओ, मीडियन में से मीडियन को सॉल्व करो और आएगा आंसर मोड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो थ्री मीन और घटाएंगे तो थ्री मीडियन माइनस टू मीन। बस ये सारी जद्दोजहद जो हो रही है ये इन भाई सब के लिए हो रही है। ये रिलेशनशिप आपको बुक में मिलेगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन एंड मोड। बट मैंने इसके पीछे की कहानी थोड़ी थोड़ी बताई है जिसको अभी आगे और मैं कैरी ऑन करने वाला हूं, बट ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन, ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप का पार्ट है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मोड निकालते वक्त बताया था कि कब मोड जो है असहाय हो जाता है, नहीं निकल पाता है, वो कहता है मैं नहीं निकल पाऊंगा, तो फिर उसके लिए एम्पिरिकल रिलेशनशिप का फॉर्मूला लगता है। और इसका क्वेश्चन में नेक्स्ट मोड की वीडियो जो मेरे पास आएगी वो वीडियो में मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूं। फिलहाल मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई है, आपको ओवरऑल पता लग गया है। अब एक एक करके हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा लेते हैं, मीन मीडियन मोड निकालते हैं और उसके बाद ऐसा ग्राफ बना देते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा, चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। चलो तो स्टूडेंट आपको अभी जो मैं आज कराने वाला हूं वो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां आ गए हैं हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पहले हम एक डेटा ले लेते हैं, बहुत समझदारी से वो डेटा लेना है। जैसे मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे तो ये बात क्लियर है कि डेटा लेना कैसा है, डेटा ऐसे लेना है कि कर्व ऐसे चढ़ता जाए फिर टॉप पर पहुंचे और जैसे चढ़ा है वैसे ही उतरता जाए, ये मेरे दिमाग में आ गया है। तो डेटा मैं ले सकता हूं, कैसे ले सकता हूं, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले लेता हूं और उसमें एक क्लास लिख लेता हूं, क्लास इंटरवल है ना, ऐसे लिख लेता हूं सी आई, है ना, समझ में तो आपको आ रहा है, थोड़ा शॉर्टकट भी चलेंगे अपन, सी आई क्लास इंटरवल लिख लेता हूं, फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं। मैंने क्या लिखा, क्लास इंटरवल लिखा और फ्रीक्वेंसी, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। क्लास इंटरवल में लिखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और यहीं तक ले लेते हैं, ठीक है ना, 50 तक होते हैं ना, आगे भी ले सकते हैं आपकी मर्जी है। अभी उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को दिमाग लगा के लेना है, कैसा कर्व ध्यान रखो कैसे बढ़ा, एकदम टॉप पर गया फिर वैसे उतरा, तो मैंने लिख लिया 1 2 3 2 1, कितना सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है ना भाई, सीधी सीधी बात है, मैं छोटी संख्या लूंगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो, 1 2 3 2 1, सीधा सीधा काम है। अब इसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, ये सिमेट्रिकली कहलाता है, यानी फ्रीक्वेंसी ने इसे सिमेट्रिक बना दिया। चेक करते हैं कैसे बनाए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस पर तीन चीजें, मीन मीडियन मोड, तो पहले निकालेंगे हम, ये एफ है तो एक्स निकाल लेते हैं ना, इसे एफ आई एक्स आई भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, आप एफ और एक्स बोल सकते हो, मैं एफ और एक्स ही, चलो एफ आई एक्स आई बोल देता हूं ना, थोड़ा देखने में अच्छा सा लग रहा है।
x क्या होता है मिड वैल्यू, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड 5 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड 15 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड 25 आएगा, वैसे भी गैप देख रहा हूं मैं ना 35 आएगा 45, देखो थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि ये पहले हो चुका है वाला। उसके बाद हम निकालेंगे fi xi का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, फिर हो जाएगा 25 की 75, फिर हो जाएगा 35 दूनी 70 और 45 45। इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, तो बेटा ये आ जाएगा 5 पर 10 पर 15 का 5 हासिल का 1 10 और 10 20 21 22, तो 22 आएगा। चलो ठीक है, उसके बाद आएगा आपके पास कितना 1 3 6 6 2 8 और 1 9, लो जी कितना सिंपल जा रहा है। अब हम मीन निकालेंगे, मीन का मैं सिंबल दिखा रहा हूं आपको, क्या होता है फॉर्मूला एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और ये होता है 225 अपॉन में नाइन। तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 9 दुनिया 18 19 20 21 22 4 9 5 15, अरे वाह 25 आंसर आ गया इसका। थोड़ा जल्दी जल्दी जाएगा, थोड़ा रैपिडली जाएगा, बट क्योंकि यही आज की रिक्वायरमेंट है ना, ये मैं प्रॉपर करा चुका हूं पहले भी, आप चाहे तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें और देखें मीन कैसे निकलता है, डायरेक्ट मेथड से निकाल। अब मीडियन की बात करेंगे, मीडियन 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 जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एन बाय टूथ टर्म या आइटम्स या ऑब्जर्वेशन। चलो चेक करते हैं कैसे निकलता है, ये निकलता है सी एफ से, सी एफ लिखेंगे, सी एफ में क्या होगा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम देखेंगे, पहले एक लिखेंगे, एक में दो जोड़ेंगे तो तीन आएगा, तीन में तीन जोड़ेंगे तो छह आएगा, छह में दो जोड़ेंगे तो आठ आएगा, आठ में एक जोड़ेंगे तो नौ आएगा, फाइनली एन की वैल्यू, ये एन कहलाता है, एन की वैल्यू नाइन है, तो अगर मैं यहां लिख दूं, यही लिख देता हूं इसी के सामने, नाइन बाय टूथ टर्म, इसका मतलब हो गया कि 4.5 और 4.5 टर्म कहां मिलेगी, तीन के बाद मिलेगी, यहां मीडियन मिलेगा, मीडियन मिलेगा यहां, तो इसके साथ आ जाएंगी ये वैल्यू आ जाएगी, इससे ऊपर वाली ये वैल्यू आ जाएगी, बस। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मीडियन का फॉर्मूला होता है एन प्लस का एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच एच, ये मीडियन का फॉर्मूला है। अप्लाई करते हैं, एल की वैल्यू क्या होती है, जहां मीडियन लाई किया उसकी लोअर लिमिट 20 है प्लस का, उसके बाद एन बाय टू यानी कि 4.5, उसके बाद क्या दे रखा है आपको सी एफ क्या है, इससे ऊपर वाली संख्या माइनस का 3 अपॉन में, उसके बाद एफ की वैल्यू इसमें क्या है 3 और इंटू में एच की वैल्यू, इन दोनों का गैप कितना है 10, तो फाइनली मेरे पास आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 15 डिवाइड बाय 3, तो भैया 25 ही आ रहा है। सॉल्व कर लो, मैंने फिर से रिपीट किया है, मैं थोड़ा डायरेक्ट कराऊंगा बट तुम सॉल्व कर लो, देखो मीडियन भी 25 ही आ रहा है, मीन भी 25 ही आ रहा था, यहां लिख देता हूं मीन इज इक्वल टू 25, देखो मीन भी 25 था, मीडियन भी 25 ही आना ही है, मैंने बता दिया है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ही आना है, मैंने डेटा ही ऐसा लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मोड की बात करते हैं, मोड जिसे एम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आप लिखेंगे एल प्लस का F1 minus F0 upon में 2F1 minus F0 minus F2 into में H, फॉर्मूला आपको यार अपने ध्यान में रखना है। L कौन होता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपके सामने दे रखी है, इसे F1 बोलते हैं और इससे ऊपर वाले को F0 बोलते हैं, नीचे वाले को F2 बोलते हैं, तो F1 के सामने वाली ये वैल्यू को L बोला जाएगा, तो L की वैल्यू है 20 प्लस का F1 की वैल्यू है 3 माइनस का F0 की वैल्यू है 2, देख सकते हो मैंने वही लिखा है 2 into F1 यानी कि 3 2 इंटू 3 माइनस का F0 F2 यानी कि 2 माइनस 2 2 माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाय 10 क्योंकि H की वैल्यू 10, दोनों का डिफरेंस 10, तो फाइनली आंसर आया 20 प्लस, इसे घटाएंगे तो बेटा 1 आएगा, 3 दूनी 6, 6 में से अगर घटाएंगे 4 तो आएगा 2 और 2 10 से डिवाइड करेंगे तो 5, फाइनल आंसर आ गया 25। तो क्या समझ में आया आपको, आपको समझ में आया मोड भी 25, यानी कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि एक ऐसा डेटा मैंने अपनी मर्जी से लिया जिस डेटा के अंदर मीन भी वही है, मीडियन भी वही है और मोड भी वही है। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, हियर वी हैव द ग्राफ, अब बहुत तसल्ली से देखिएगा ग्राफ, आपको शायद पता होगा बिल्कुल, ये एक्स और ये वाई एक्सिस होता है, जीरो से शुरू करते हैं, एक्स एक्सिस पर ले लेता हूं मैं ये एक्स का डेटा, ये एक्स का डेटा है, इसको थोड़ा क्लीन अप कर लें, ये है आपका x एक्सिस वाला डेटा, x मेन डेटा जिसके लिए हम काम करते हैं, ये निकल के आता है इसकी सेंटर वैल्यू से। उसके बाद ये जो दूसरा डेटा है आपके सामने, ये है फ्रीक्वेंसी का डेटा, ये x एक्सिस पे जाएगा, ये y एक्सिस पे जाएगा, x एक्सिस पर 5 से लेकर 45 तक की वैल्यू को रख लीजिए, ये आया 5, ये आया आपके पास 5 के बाद 15, अच्छा ये थोड़ा नजदीक था, ठीक है नजदीक बना लेते हैं, ये आपने ऐसा बना के देखो,
डेटा को, ये है 5, फिर उसके बाद 10 का गैप है ना, ये जाएगा 5, फिर 15, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 35, फिर उसके बाद 45। ये गैप थोड़ा आगे पीछे दिख रहा होगा, लेकिन ये मान लीजिएगा आप सही है, ठीक है ना, ग्राफ नहीं है लेकिन फिर भी आप मान के चलिएगा सही कर पाए। फ्रीक्वेंसी में आपको वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल सीधी सीधी वैल्यू रखनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी लिख लीजिए। अभी फिलहाल बात करते हैं x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1 और 1 पॉइंट लगा देंगे। x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू यहां से 15 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये आपका आ गया 2, 15 यहां, 2 यहां, दोनों मिले कहां पर, इस जगह पर। 25 पे 3, x की वैल्यू 25 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये आ गया आपके पास 3। फिर उसके बाद 35 पे 2, 35 पे 2 बिल्कुल यहां मिलेगा और 45 पे आपको मिलेगा 1, तो 45 पे आपको 1 मिलेगा। ये गलत कर दिया हमने, 2 ऊपर मिल रहा है, अच्छा ठीक है, ठीक है ना। थोड़ा यहां से एंगल से देखोगे तो आपको अलग दिखेगा, मेरी तरफ से थोड़ा सा ये अलग सा दिख रहा है ना, डेटा को रखने में आप सही से समझ लेना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसको मिलाने की कोशिश करते हैं और इसको हम कर्वेचर शेप में मिलाएंगे, तो आप गौर से देखेंगे। तो क्या देखा आपने? आपने देखा सर कि यहां से धीरे 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 डेटा गया, जैसे गया वैसे ही उतरा, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी वैसे ही फ्रीक्वेंसी उतरी। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा जो कि टॉप मोस्ट ऑफ दिस कर्व, इस कर्व का पीक पॉइंट है, पीक, वो पीक 25 है सर, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि यहां से यहां तक की वैल्यू, जहां से शुरू हुई थी ये वैल्यू थी और जहां खत्म हुई ये वैल्यू है, अगर मैं इसको एक एरिया बनाऊं, इस एरिया का आधा एरिया ये है, ये आधा एरिया है और आधा एरिया ये है, तो एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करना मीडियन कहलाता है। तो उसने भी वही किया, 25 एक ऐसी संख्या थी जिसने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर मैं कहूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे मीडियन बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी 25 ही कहलाता है। अब आप कहोगे सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, चलो इसको भी समझाएंगे, नेक्स्ट सिमेट्रिक असिमेट्रिक कंडीशन पे जाते हैं, इसे भी समझाते हैं। तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली मीन, मीडियन और मोड होता क्या है। चलो मैं इसे रब कर रहा हूं, इसे एक बार आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैंने ऐसे ही ले लिया अपनी मर्जी से, ठीक है ना। लेकिन आपको सेंस रखना है, ध्यान रखना है कि आपको वो डेटा लेना है जो जैसा चढ़ रहा है वैसा ही उतरे, तो उसमें मीन मीडियन मोड सेम आता है। तो स्टूडेंट अब हम करने वाले हैं असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के दो क्वेश्चन जो है, उसमें से पहला जो क्वेश्चन है मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है और उसका नाम है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब याद करिए जो मैंने आपको थोड़ा सा समिंग अप किया था कि कैसे हमने पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन किया था, याद करिए। पहले एकदम से डेटा चढ़ जाएगा, एकदम से ग्राफ ऐसे चढ़ेगा, डेटा बढ़ता जाएगा, फिर धीरे धीरे उतरेगा, है ना। इसको ही हम लिखने वाले हैं अपने जहन में, डेटा ऐसा ही लेने वाले हैं। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें हम क्लास इंटरवल लिखने वाले हैं और क्लास इंटरवल में वही सिंपल संख्या लिखते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में आपको क्या करना है, पहले एक से शुरू कर लेते हैं चलो, है ना, एक के बाद बहुत बड़ी संख्या ले लेते हैं, तो हम लेते हैं 7, 1, 7, फिर उसके बाद धीरे धीरे उतारते हैं, जैसे कि 3, 2, 1। समझ में आया कितना सिंपल जा रहा है, याद करने का तरीका भी है, एकदम से चढ़ा दो और फिर धीरे धीरे उतारो भाई। तो हमने कहा एक के बाद एकदम से 7, देखो कितना बड़ा जंप कर दिया मैंने, है ना। इसी से क्या होने वाला है, इसी से वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे 7 के बाद 3, 2, 1 और धीरे धीरे उतरा है। चलो इसको आप सॉल्व करने वाले हैं, ये एफ आई है, एक्स आई क्या होता है, दोनों का डिफरेंस 5, 15, 25, 35 और 45, फिर उसके बाद एफ आई एक्स आई, फिर उसके बाद सी एफ, थोड़ा तेज करने वाला हूं भाई, देखो नहीं तो होने नहीं वाला ये, तो आप लिखेंगे तो 5 आएगा, ये हो जाएगा 15, 7, 35, 5, 3, 7, 7 और 3, 10, 105, 25, 75,
और 70 और उसके बाद 45। मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूं, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टेंथ क्लास तक हिंदी मीडियम में मैथमेटिक्स यानी कि गणित पढ़ी है। तो मेरे को जो बचपन से टेबल जिसे आप कहते हो, हम पहाड़े बोलते थे, जब हम पहाड़े याद करते तो हिंदी मीडियम के थे। आज हम कितने ही बड़े टीचर बन जाएंगे, हमें 2 1 2 2 2 3 4 ओके समझ में आता है, लेकिन जब जल्दीबाजी करनी होगी, बड़ी संख्या होगी, तो हमें हिंदी के ही पहाड़े याद होंगे। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में याद रखें, आप अपना इंग्लिश रखें, हम अपना हिंदी रखेंगे भैया, ठीक है ना। याद रखिएगा, कोई ये ना कहेंगे सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो, हिंदी में पहाड़े कैसे पढ़ रहे हो आप। तो हमारे को क्लियर है कि हम हिंदी मीडियम में ही पहाड़े पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं, इस पर आप ध्यान ना दें, प्लीज इग्नोर कर दें अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे तो। फिलहाल मैंने बता दिया, अभी आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास, जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा ना, CF जोड़ेंगे 1 + 7 और +8 जोड़ेंगे 11 प्लस हो जाएगा 13 और उसके बाद हो जाएगा 14। तो बेसिकली इसका सम कितना आया 14। इसे n भी बोला जाता है, इसे सिग्मा f भी बोला जाता है, FI मर्जी आप कुछ भी बोल दो, आप अल्टीमेटली तो सम है। इसका सम भी कर लेते हैं, 5 5 10 5 15 20 जीरो और 2 हो जाएगा 7 7 14 2 16 और 16 4 20 का जीरो, हासिल का 2 और 1 3। लो जी कितना सिंपल हो गया। अभी मीन का फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला होता है क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 300 अपॉन में 14, तो 14 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये दो बार में जाएगा 7 और दो बार में जाएगा तो 150 और जाएगा 7 × 7 = 14 और उसके बाद 1 7 = 7 उसके बाद 3 और 7 = 28। तो मैं भी एक डेसिमल तक निकाल रहा हूं, वैसे 2 डेसिमल तक भी आप निकाल सकते हो, एक डेसिमल तक निकालूंगा तो ये आ गया आपके पास मीन। तो फाइनली यहां लिख देता हूं मीन इज इक्वल टू 21.4, ये आपका मीन आ चुका है। कोई ऑब्जेक्शन किसी बच्चे को, आई थिंक नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं मीडियन के पास, मीडियन को एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एम मतलब मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस का ये होता है एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। तो सॉल्व कर देते हैं, एल कहां से निकल के आएगा, पहले तो हाफ करते हैं ना, एन बाई टू का मतलब हाफ, तो 14 का हाफ कितना हो गया बेटा 7 हुआ। डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो लिख नहीं रहा मैं इस बात को, 7 कहां मिलेगा मुझे, 7 यहां मिलेगा मुझे। इसी लाइन में जाएंगे तो ये होगा एल, एल की वैल्यू 10 प्लस एन बाई टू 7 था, एन बाई टू 7 एन ये है तो 7 होगा इसका हाफ, माइनस का सी एफ कौन होता है, इससे ऊपर वाली संख्या को सी एफ बोलते हैं, अपॉन में एफ कौन होता है, इसी लाइन में जो एफ है वो ये है 7 इंटू में एच की वैल्यू 10 होगी क्योंकि डिफरेंस 10 का लिया मैंने। तो सॉल्व करेंगे बेटा तो यहीं पर लिख देता हूं मैं इसे 10 प्लस का और ये हो जाएगा 6 6 की 10 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 60 अपॉन में 7। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 8 56 56 4 0 और 7 7 28 7 5 7 5 35 तो लगभग हो गया 18.5। तो मेरे पास मीडियन आ गया, यही लिख दूं मैं यहां पर जगह, हाँ है यार जगह तो बहुत है, तो मीडियन आ गया 18.5। देख लो मीन बड़ा है और मीडियन उससे थोड़ा छोटा है। उसके बाद आएगा मोड, मोड क्या होगा, क्या और बड़ा होगा या छोटा होगा, चेक करते हैं। चलो मोड की बात कर लेते हैं, मोड को रिप्रेजेंट करते हैं एमओ से। जब हम मोड को रिप्रेजेंट, ये ध्यान रखना मैंने ये अप्रोक्स में लिया, इसके बाद एक और संख्या लेके राउंड ऑफ करके इसे बढ़ाना था, बट मैं एक ही डेसिमल तक ले रहा हूं ना। तो फिलहाल मोड की बात करते हैं बेटा, तो मोड क्या होता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सी दिख रही है, 7 दिख रही है, इसे F1 का नाम दे दीजिए, ऊपर वाले को 0 और नीचे वाले को F2 का नाम दे दीजिए। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने मोड का फॉर्मूला है L प्लस का, L प्लस का क्या होता है F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H और ये हो जाएगा L। L की वैल्यू है 10 प्लस का F1 की वैल्यू है भैया 7 माइनस का F0 की वैल्यू है 1 अपॉन में 2 इंटू में F1 की वैल्यू है 7 और माइनस का 1 माइनस का 3। आई थिंक समझ में आ रहा है H की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, 10 लिख दिया प्लस का 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6 6 की गुणा 10 में करें तो कितना हो गया 60 अपॉन में 14 माइनस का 4 इज इक्वल टू होता है 10। अरे वाह कितना सिंपल हो गया, तो 16 आ गया। तो मोड भी यही लिख देता हूं मैं, मोड इज इक्वल टू 16। आई थिंक आपको बोर्ड पे जितना भी लिखा है समझ में आ रहा है और दिख भी रहा है। सबसे बड़ा मीन है, उसके बाद मीडियन है, उसके बाद मोड है। इसको हम ग्राफ पे दिखा देते हैं और बता देंगे ये पॉजिटिवली स्क्यूड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर? तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा हमारा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ये आ गया आपके पास 0, ये आ गया आपके पास 5, फिर हो गया 10, फिर हो गया 15, फिर हो गया 25, फिर हो गया 35, फिर हो गया 45, कुछ भी लिख लो, यहां लिख लेता हूं 5 15 25 35
45 55, सही लिखा होगा। तो ये x की वैल्यू बेटा, ये वाली x की वैल्यू जो थी ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखी, ये वैल्यू है y की वैल्यू जो है ये मैं वर्टिकल लाइन पे लिखने वाला हूं। तो यहां पर लिखूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 7 तक ही जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अब वैल्यूज को रखना शुरू करें, 5 पर 1, 5 पर 1, ये रहा 1, उसके बाद 15 पर 7, एकदम से बढ़ गया डेटा, 15 पर 7, ये लो जी 15 पर 7 अगर मैंने सही अंदाजा लगाया बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद 25 पर 3, फिर धीरे धीरे उतरेगा, ये गया 25, उसके बाद 35 पे 2 और 45 पे 1, 35 पे 2 ये गया और 45 पे 1। आई थिंक आपको सारे डॉट्स दिख रहे हैं, प्रॉपर दिख रहे हैं, आप जरा इसको मिलाएंगे, जरा मैं प्रॉपर करके मिलाऊं, देखो ये ऐसे गया, फिर यहां से घूमा और घूमने के बाद ये ऐसे आया और ऐसे गया और ऐसे गया। जो पहले मीनार आपकी ऐसे बन रही थी, अब वो इस तरफ को टिल्ड कर गई, यानी कि झुक गई इस तरफ को आ गई, ठीक है ना। ये डेटा आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया। अब कहां है मीन, कहां है मोड, कहां है मीडियन, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटे की बात करते हैं, यहां से नियरेस्ट है सबसे छोटा, जीरो से पांच सबसे छोटा है मोड, मोड कौन है 15 के बाद है 16, लगभग यहां मिलेगा पीक। ओके, उसके बाद क्या है बेटा, मोड के बाद मीडियन 18.5, 15 और 25 के बीच में मिलेगा, लगभग यहां मिल जाएगा 18.5। उसके बाद क्या जी, मीन, मीन है 21.4, भैया 25 के नजदीक ही मिलेगा, 21.4 और नजदीक आ जाएगा, 25 को तो पार नहीं करेगा, ये आपके पास 3 पॉइंट्स बन गए। एक्स के डेटा को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या होता है, कहानी क्या है, कहानी ये है कि ये है आपके पास पहले नंबर पे जो यहां पर लिखा है, ये लिखा है नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट कौन है, मोड है, मोड है ना, MO लिख देता हूं उसे ना, ये MO का मतलब मोड है, मोए मोए मत समझ लेना इसे, ये मोड के बाद आएगा अगला मीडियन और इसके बाद अगला आएगा मीन। तो आई थिंक समझ में आ गया, सबसे छोटा मोड है, उसके बाद मीडियन है, उसके बाद मीन है, न्यूमेरिकली समझ में आ गया, एम्पेरिकल का मतलब समझ में आ गया हमने, या फिर उस समय के स्टैटिस्टिशियन जो थे उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट डेटाज लिए, तो उन्होंने देखा कि सारे डेटा में तीन मेन मेन जो है रिलेशनशिप दिखते हैं, एक कि अगर फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ रही है वैसे उतरेगी तो उसे सिमेट्रिकल नाम बोल दिया, मीन मीडियन मोड इक्वल आता है, जैसे फ्रीक्वेंसी तेजी से बढ़ गई और धीरे धीरे उतरी, तेजी से एकदम से बढ़ गया पीक पे गया और फिर धीरे धीरे उतरा, तो उस केस में मीन मीडियन और मोड के बीच में रिलेशनशिप ये है, सबसे छोटा मोड है, उसके बाद मीडियन है, उसके बाद मीन है, आप देख सकते हो सॉल्व मैंने कर दिया है। अच्छा, इसे कहते कैसे हैं, कैसे समझते हैं, जरा समझो यार, क्या प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझो, ये संख्याओं से क्या ले रहे हो। देखो मोड को, मोड क्या कह रहा है, मोड क्या रिप्रेजेंट करता है, जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है उसे मोड रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी को याद रखना, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी पे क्या संख्या, आप कहोगे सर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, साफ साफ दिख रही है सर ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 7, अरे भाई 7 है लेकिन ये 7 15 के सामने आपको दिख रहा है, 15 एक्चुअल थोड़ी है, ये 15 थोड़ी एक्चुअल, ये एक्चुअली आया कहां से था, ये 10 और 20 के बीच में आया था। अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी में x की वैल्यू 10 से बड़ी और 20 से छोटी होगी, लेकिन वो 15 ही हो गया ऐसा थोड़ी है, तो देखो अगर गौर से देखोगे 10 और 20 के बीच में आपको तो 15 दिख रहा है, लेकिन नहीं सिर्फ 15 नहीं है, मोड जब निकाला था तो 16 आया था, 15 के बाद ये सबसे बड़ा पीक ये ले जाएगा, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये फ्रीक्वेंसी आपके सामने जो है, तो अगर मैं कहूं मोड क्या कहता है, तो मोड कहता है थोड़ा सा टेढ़ी लाइन बन गई सीधी बना लेना, ये मोड कहता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है सबसे पीक जो ले जाता है, इस लाइन का नाम रख देते हैं, बुक में दिख जाएगा इस लाइन का नाम, मैं यहां पर एरो लगा के लिख देता हूं और लिखता हूं पीक ऑफ कर्व। आपको तो सर क्या होता है पीक ऑफ कर्व, मोड होता है सर, मोड क्या होता है, किसी भी कर्व का पीक जो जाएगा वो मोड कहलाएगा। दूसरा नाम क्या है सर, दूसरा नाम है ये यहां से यहां तक देखो ये लाइन, बिल्कुल गौर से देखना बेटा, मैं आपको एक ही कलर का पेन है, कोई कलर नहीं बदल रहा। क्या है कि यहां से लेकर यहां तक अगर मैं एरिया बॉन्ड कर लेता हूं ऐसे,
ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ने वाले हो आप एरिया, ये पूरा का पूरा एक कवर कर दिया मैंने, नीचे को लाइन हटा दी, सब कुछ हटा दिया, यहां 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 एक कर्व कर दिया बिल्कुल क्लियर, कवर कर दिया सॉरी, आधा आधा एरिया, ये लाइन जो है ये मीडियन की लाइन है, इसका ये वाला हिस्सा आधा जो मैंने शेयर किया ये वाला एरिया, और बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है ये वाला एरिया, ये दोनों के दोनों जो शेड है और जो शेड नहीं है ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब इस दूसरी लाइन का जिसे मीडियन बोलते हैं इसे कहते हैं क्या, डिवाइड्स डिवाइड एरिया इन हाफ, इसे हम कहते हैं मीडियन। क्या बात समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाला है, आपको कैसे डिवाइड कर रहे हो भैया, मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो हाफ हाफ एरिया डिवाइड कर देती है। चलो ठीक है समझ में आता है सर, मीन भी समझा दो आप, मीन क्या होता है, मीन की लाइन यही क्यों है, ये मीन की लाइन क्या है, तो भैया ये कर्व है, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप कहोगे सर जी ये क्या बकवास कर रहे हो, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे बन जाएगा, ये मीन को सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैसे बोल सकते हो, तो मैं बताता हूं, अभी आपको अंडरस्टैंड नहीं है इतना, मैं क्लियर करने वाला हूं, मैं कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ूंगा। देखिए ग्रेविटी क्या होती है, आप कहेंगे सर हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं हमें ग्रेविटी से क्या लेने देना, ये स्टेटिस्टिक्स साइंस का मेन डेटा है, मैंने बताया था बायोस्टेटिक करके एक टॉपिक स्टार्ट था पहले, अभी भी पढ़ाया जाता है स्टेटिस्टिक्स बायोलॉजी के अंदर, और स्टेटिस्टिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर फील्ड के अंदर आपके सामने जहां डेटा एनालिसिस होगा वहां पर स्टेटिस्टिक्स आ जाएगा। तो क्या होता है ग्रेविटी, आपको पता है अर्थ अपनी तरफ हर ऑब्जेक्ट को खींचती है उसे ग्रेविटी कहते हैं, यहां बोला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। देखो अगर मैंने कहा ये आपके सामने एक मैंने लकड़ी की छड़ ले ली है, या कह सकते हो मैंने एक स्केल ले लिया है, फुट्टा तो है ना आपके पास स्केल है ना, ठीक है आपने वो स्केल लिया और आपने क्या किया अपनी उंगली पर वो स्केल रख दिया, जैसे कि मैं ये पेन को रखूंगा लेकिन मेरे पास जादू नहीं आता है तो मैं ये करके भी नहीं दिखाऊंगा ओके। तो ये उंगली पर ऐसे स्केल रख दिया और रखने के बाद क्या करोगे आप, ऐसे करके रख सकते हो ऐसे ठीक है ना, या ऐसे रख लो आपने रखा, अब आप करेंगे क्या, अगर आपने यहां पर अपनी फिंगर को टिप किया तो क्या होगा बेटा, ग्रेविटी नीचे की तरफ खिंचाव इस तरफ झुक जाएगा, ये इस तरफ गिरेगा नहीं कर पाओगे। फिर आपने क्या किया सर, आपने कहा अपनी उंगली को थोड़ा सा और पास में लेके गए, अभी भी ये इस तरफ झुकेगा क्योंकि उस तरफ ज्यादा है, उसके बाद आप कहोगे सर इसको ना और थोड़ा सा उधर गए और बिल्कुल सेंटर पे लेके गए, जब आपने अपनी उंगली बिल्कुल सेंटर पे रखी तो ये जो आपके पास स्केल है ये बिल्कुल रुक जाएगा क्लियर। सो दिस लाइन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से को बराबर बराबर संभाले हुआ है, क्लियर है बात, कितना आसानी से समझ में आ गया ना, लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि यहां तो समझ में आता है, फिजिक्स के नियम इतने आसान कहां से हो जाएंगे, ये फिजिक्स है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि अगर कर्व है, अगर ग्राफ ऐसा है, अब सर चलो इसको पहले हम देखते हैं, पहले सिमेट्रिक ग्राफ, अगर ग्राफ ऐसा है, अगर ऐसा कर्व, एक तार का टुकड़ा लो उसे मोड़ लो बिल्कुल क्लियर एकदम नाप तोल के बढ़िया मोड़ो, बिल्कुल कोई भी इधर टिल्ड नहीं होना चाहिए झुकाव और इधर भी टिल्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको कि सर अगर मैंने अपनी उंगली पर इसे रखने की कोशिश करी तो यहां पर मिलेगा बिल्कुल बीच में, क्योंकि आधा हिस्सा इधर है आधा हिस्सा इधर, कितना सिंपल है। लेकिन अगर मान लो मैंने कहा ग्राफ ऐसे है, यानी कि आपने कुछ तार को ऐसे मोड़ा कि इधर पीक जा रहा है, पीक इस तरफ है पीक उधर नहीं है, तब आप जब इसे तार के टुकड़े को रोकने की कोशिश करोगे, बैलेंस करने की कोशिश करोगे बेटा, तो मैं बता दूं कि यहां पर बैलेंस ये नहीं होगा, ये बैलेंस होगा इसके इस जगह पर, यानी कि आप उसे रोकेंगे तो जब आप इधर उंगली रखेंगे तो ये फिर भी झुकेगा, इधर रखेंगे फिर भी झुकेगा, इधर रखेंगे तो एकदम बैलेंस हो जाएगा, यानी कि इधर वाला और इधर वाला कर्व जो है बिल्कुल बीच में बैलेंस कर पाया। तो ये आप देखोगे कि जो हिस्सा इसे बैलेंस कर पा रहा है, ना इधर झुक रहा है ना इधर झुक रहा है, उस हिस्से को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसी को कहते हैं मीडियन। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी भी कर्व के सेंटर से जाती है, सेंटर को मैनेज करने का काम करती है। तो होप सो आपको मैं थोड़ा डिटेल कर पाया, हालांकि आप इस वीडियो को अगर नहीं समझ पा रहे थोड़ा रैपिडली मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो अगर मेरी सीरीज आपने स्टार्टिंग से देखी है तो ऑफ कोर्स आपको समझ में आएगा बेटा, और मैं समझा के ही छोड़ता हूं, ये मेरी आदत है।
अभी फिलहाल अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है सिमेट्रिक असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मैं यही डेटा रखने वाला हूं, क्यों मैं सिरदर्दी लूं जब डेटा यही है। इसमें अच्छा क्या रिलेशन निकल के आया था, मोड सबसे छोटा था, उसके बाद मीडियन आया था, उसके बाद मीन आया था। इसको जस्ट स्वैप कर देंगे, उल्टा कर देंगे बिल्कुल, है ना। कैसे, मैं डेटा ये लेने वाला हूं 1, 7, 3, 2 की एक की जगह पर मैं उल्टा कर दूंगा इस डेटा को ऐसे, तो उसमें क्या हो जाएगा, मीन जो है वो छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा, मोड सबसे बड़ा हो जाएगा, मीडियन बेचारा बीच में रहेगा, ठीक है ना। चलो चेक करते हैं इसे कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने कहा, अब इस वीडियो लेक्चर के लास्ट टॉपिक के पास हम आ गए हैं, एक क्वेश्चन करने वाले हैं और उसका नाम है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा मैंने कहा डेटा कैसे लेना है, तो क्लास इंटरवल आपको लिख लेना है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40 और 40 to 50। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है, मैंने जैसा बताया कि क्या करते हैं इसमें, धीरे धीरे डेटा बढ़ता है और फिर एकदम से गिर जाता है, ऐसा कोई भी फ्रीक्वेंसी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। हालांकि अगर मैं बात करता हूं कि जो डेटा एनालिसिस करते हैं वो फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं करते हैं, उन्हें फ्रीक्वेंसी मिलती है, याद रखना। हम जब इसको मिमिक कर रहे हैं, हम यहां पर बच्चों को एज एन एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि एक्चुअली डेटा एनालिस कैसे होता है, हम यहां डेटा को एनालिस करना सीख रहे हैं, यहां पर डेटा क्रिएट नहीं कर सकते। एक्चुअल अगर आप फील्ड में जाएंगे, जब आप जॉब करेंगे, जब डेटा एनालिसिस के लिए आप रिक्वायर्ड होंगे, तो आपको डेटा मिलेगा। यानी कि जैसे कि मैं कहना चाहता हूं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएट है, प्लस वो बच्चे जो है फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हुए हैं, ऐसे डेटा को कलेक्ट करना है ऑल ओवर योर स्टेट, आपके स्टेट में। तो आप थोड़ी डिसाइड करोगे भैया आपको फर्स्ट क्लास दे देते, क्योंकि हमारे हिसाब से हमें सिमेट्रिकल डेटा बनाना है, हमें स्क्यू सिमेट्रिकल डेटा। अरे भैया हम कैसे डिसाइड करेंगे, डेटा हमें मिलता है, उस डेटा को एनालिस करने के बाद जब आप अरेंज करते हैं तो वो या तो सिमेट्रिक फॉर्म में मिलेगा या असिमेट्रिक फॉर्म में मिलेगा। सिमेट्रिक फॉर्म में मिलेगा तो उसका रिजल्ट आपको पता है, मीन मीडियन मोड इक्वल होने वाला है। इसका मतलब ये होने वाला है कि इसका पीक भी सेम होने वाला है, उसका एरिया भी सेम होने वाला है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेम होने वाला है। और अगर आपको वो असिमेट्रिक फॉर्म में मिलेगा तो आपको पता है कि कहां उसका पीक जाएगा, कहां उसका एरिया कवरअप होगा और कहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, कम या ज्यादा। तो ये भी अपने जहन में रखना कि यहां हम एक assumptions बेस पर डेटा ले रहे हैं ताकि हम डेटा एनालिस कर पाए। ओके चलो, फिलहाल मैंने कहा जो हमने लास्ट हमने फ्रीक्वेंसी लिखी थी उसी का जस्ट अपोजिट लिख लेते हैं हम। उस फ्रीक्वेंसी का अपने नोट डाउन क्या होगा, तो हम उसे उल्टा करेंगे, तो नीचे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 था पहले, शायद 2 था, फिर 3, फिर 7 पे चला गया था, फिर 1, है ना। और जब हमने वहां लिखा था तो लिखा 1, 7, 3, 2, 1, यहां पर लिखा है 1, 2, 3, 7, 1, है ना, उल्टा कर दिया। ओके तो एक्स आई में क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 5, 15, 25, 35 और 45। उसके बाद एफ आई एक्स आई में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 30 और 75 और ये हो जाएगा 7 बजे 35 का 5 हासिल का 3 7 21 और 3 24 आई थिंक, और उसके बाद 45। सॉल्व करेंगे तो 5, 5, 10, 15, 20 का जीरो हासिल के 2, 4, 4, 8, 2, 10, 17, 3, 20 का जीरो हासिल के 2, 400 आ जाएगा, जगह 1, 3, 6, 6, 6, 12, 13, 14। तो मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब तो रूल भी याद होना चाहिए भैया, मैं बार बार लिखवाऊंगा, मैं बार बार इसलिए लिखवाता हूं, हर टीचर बार बार इसलिए लिखवाता है ताकि स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े फॉर्मूला याद करने में। तो प्लीज कोई बच्चा ये ना कहे यार हम देख देख के बोर हो गए, बोर नहीं होंगे, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे अगर बार बार एक ही चीज को देखते हो। तो ये फॉर्मूला बार बार दिखा रहा हूं मैं आपको ताकि आपके जहन में आ जाए। ये हो जाएगा 400 अपॉन में 14, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 से काटेंगे तो 7, 200 और इसे काटेंगे तो आ जाएगा आपके पास 7, 14 और 14 और ये हो जाएगा 6, 7, 8, 56 और 4 और 0, 7, 35। तो लगभग 28.5 के आसपास आ गया है आपके सामने मीन। तो मीन इज इक्वल टू आया है 28.5। एक डेसिमल तक ही निकाल रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप कैलकुलेटर से करेंगे तो इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है ना, 5 का 6 हो सकता है बस, ज्यादा से ज्यादा। ओके मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस का और उसके बाद क्या होता है एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे सी एफ चाहिए होगा जो कि आपके पास होता है 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 6 = 12 + 13 और 1 = 14।
तो n की वैल्यू क्या हो गई 14, n का आधा होता है 7, 7 कहां मिलेगा मुझे 6 के बाद, यहां पर ये है मीडियन। इसमें अगर जाएंगे तो कौन सी लाइन पे जा रहे हैं भैया, ये गलत नहीं होगा, 1 2 3 4 ये वाली लाइन है, हाँ ये वाली, तो आपके सामने आ जाएगा क्या 30 प्लस का n बाई 2 7 माइनस पी एफ इससे ऊपर वाली संख्या 6 अपॉन में f का मतलब हो गया ये 7 इंटू में 10, तो बेटा 10 ये h की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास 30 प्लस का ये हो जाएगा 1 10 बटे में 7, 7 एकम 7 और 7 4 28, तो लगभग मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 31.4। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या दिखेगा मेरे को यहां पर, मैं यहां लिख देता हूं मीडियन इज इक्वल टू 31.4, स्पेशल मैंने हाईलाइट कर दिया 31.4। उसके बाद आते हैं मोड के पास, तो मोड जाएंगे, मोड पे जाएंगे तो क्या होगा भैया, मोड मोड हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला एल प्लस का f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू में h, और l की वैल्यू क्या है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे को f1 f0 और नीचे 2, तो f1 के सामने वाली संख्या 30 आ जाएगी प्लस का f1 का मतलब 7 माइनस का 3 अपॉन में 2 इनटू 7 माइनस 3 और माइनस का 1 इनटू में h, तो आ जाएगा 30 प्लस का ये जाएगा तो 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 10 में 40 हो जाएगा अपॉन में ये जाएगा 14 माइनस का 4 10 है, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये आ गया 34, तो मोड इज इक्वल टू आ गया 34। गौर से देखोगे सबसे बड़ा आ गया मोड, सबसे छोटा मीडियन, फिर मीन, फिर मोड। कैलकुलेशन हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, अगर ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना, कैलकुलेशन खुद से भी सॉल्व करना भाई, मैं ऐसे ही कर रहा हूं वर्बली, तो हो सकता है, देखो ये कोई टीचर और स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं है, अगर मान लीजिए कहीं पर लिखते वक्त मेरे से कोई गलती हो जाए या फिर कैलकुलेट करते वक्त कोई गलती हो जाए तो ये किसी से भी हो सकती है, कभी भी, डिपेंड करता है आप उस डेटा को सॉल्व करते वक्त कितने क्यूरियस हो, अगर एग्जाम्स में मैं करूंगा तो मोर एक्यूरेट करूंगा देन कि जब आपको पढ़ा रहा होगा, क्योंकि पढ़ाते वक्त ये थोड़ा डर नहीं होता कि हाँ ठीक है सही जाएगा अपना, तो ठीक है ना, तो कैलकुलेशन वाइज अगर कभी भी मिस्टेक होती है तो आप उसे कवर अप कर सकते हो, आपको कैलकुलेशन आती है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं विद दिस कैलकुलेशन, ओके। नाउ अभी फिलहाल बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो ग्राफ पे वही काम करने वाला हूं मैं, लास्ट हो रहा है वीडियो का, प्रॉपर तरीके से देखिएगा प्लीज, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, आपके सामने है 5, थोड़ा नजदीक आएगा, फिर उसके बाद 10 का गैप है, ये 5 का गैप है, 10 का गैप है, 5 के बाद 15 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 45 आएगा, ये आगे पीछे क्या दिख रहा है लेकिन सही बनाया मैंने, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी में वही सेम है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, वैल्यू रखेंगे तो कैसे रखेंगे, 5 पर है 1, एक्स बराबर 5, वाई बराबर 1, ये रहा, उसके बाद 15 पे है 2, 15 पे है 2, तो ये रहा 15 पे है 2, उसके बाद 25 पे है 3, तो 25 पे 3 बना देंगे, ये बना दिया मैंने 3, उसके बाद 35 पे 7 है, 7 ज्यादा पीक ले लिया इसने 35 पे, तो ये आ गया पीक इस तरह, उसके बाद हाँ, उसके बाद 45 पे, तो आई थिंक समझ में आ रहा है डेटा धीरे 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 उठा 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 एकदम पीक लिया और फिर डाउन हो गया, सही है, देखा ना टिल्ड उस तरफ हुआ, पहले इस तरफ टिल्ड हुआ था अब उस तरफ टिल्ड होगा, कैसे बन रहा है प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है, ये जो डेटा है मैंने फिर रिपीट करना है कि ये डेटा हम अभी आपको मिमिक कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ऐसा डेटा अरेंज कर रहे हैं जिससे कि आपको नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ही मिले, बट जब आप डेटा एनालिसिस एक्चुअल करेंगे तो यू विल डिसाइड आफ्टर द सॉल्विंग दिस क्वेश्चन कि भैया ये है क्या, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है या सिमेट्रिक है, ओके गॉट इट, समझ में आता है, बहुत बहुत सिंपल है, सबसे इसके सबसे नजदीक कौन आएगा, मीन आएगा सबसे नजदीक, जीरो के सबसे नजदीक 28.5, तो 28 तो भैया 25 के बाद मिलेगा, लगभग यहां मिल जाएगा, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज कॉल्ड मीन, दिस इज कॉल्ड मीन, है ना, उसके बाद दूसरा है मीडियन 31.4, यहां मिलेगा 25 के बाद 31.4, तो यही मिलेगा ना पास में, दिस इज कॉल्ड मीडियन, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये अगर एक तार का टुकड़ा है कहां रुकेगा, तो इस लाइन पर रुकेगा भैया, ठीक है ना, ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज बनाते वक्त हमें नीचे एक वायर लगाना है जिसपे कि ब्रिज बैलेंस्ड हो जाए, मीन निकाल दिया काम खत्म, ब्रिज तैयार, उसके बाद ये बात करते हैं मीडियन की, तो मीडियन आधे आधे एरिया को कवर अप करता है, किसी भी टाइप के कर्व को आधा आधा करने का काम मीडियन कर देता है, उसके बाद आता है मोड, तो मोड तो पीक की बात करता है, तो पीक कहां पर है 34 पे, ये दिखेगा नहीं चाहे आपको, मैं थोड़ा सा इधर उधर कर लेता हूँ, ये थोड़ी चीटिंग करूंगा मैं,
यहां पर 35 मिलेगा, है ना। ये थोड़ी चीटिंग करी है मैंने, क्योंकि मेरा डेटा का जो है गैप इक्वल नहीं है, है ना, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ये 34 पे है, दिखना भी तो चाहिए ना 34 पे, ये पता लगे 35 के बाद 34 का आएगा सर, तो ये आप सही कर लेना। जब मैं इसे ही ग्राफ पे बनाऊंगा तो एग्जैक्टली मुझे 34 यहां मिलेगा, 35 बाद में मिलेगा, अभी भी एग्जैक्टली दिख रहा है, किसी को क्या पता लगा मैंने इसे इधर कर दिया, ठीक है ना। तो फिलहाल आई थिंक आपको समझ में आ गया क्या चीज निकल के आई यहां से, यहां से निकल के आया तो मीन जो है वो सबसे छोटा होता है मोड मीडियन से, मीडियन तो बेचारा बीच में रहेगा, और सबसे बड़ा होता है मोड, सबसे बड़ा मोड, यानी कि देखो ये सबसे छोटा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, न्यूमेरिकली भी एग्जिस्ट करता है। और यहां पर मैंने आपको ये जो बुक्स वगैरह आप कभी लेके आते हो परचेस करके, कोई भी बुक परचेस कर लो, चाहे आप मास्टर डिग्री, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों, मैंने एमएससी के अंदर या एमकॉम के अंदर जब क्वांट पढ़ाया, जब उसके अंदर स्टैटिकल एनालिसिस को पढ़ाया है, तो वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ थ्योरिकल बहुत सारी बातें लिखी हुई है, उस थ्योरी को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि थ्योरी सिर्फ शब्दों में लिखी गई है, जब तक उस पर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ना आ जाए। तो होप सो मैंने कोशिश करी इस आज के वीडियो लेक्चर में कि आपको एम्पेरिकल रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन मीन मीडियन और मोड समझा पाऊं विद द डेटा मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी, क्योंकि हम स्टेटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स आपको प्रॉपर और सटीक जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अब जब हम इसके बिहाफ पर आगे कभी पढ़ाई करेंगे, याद रखना ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जब हम स्क्यूनेस और मोमेंटम और कोर्टोसिस पढ़ेंगे, ये एक नया टॉपिक आएगा आपके पास जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बाद आएगा, ओके, डिस्पर्जन के बाद। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, वहां पर ये डेटा यहां ऐसे ही बनेगा, वहां पर एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आएगा, उसे वहीं समझेंगे। तो होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आज की क्लास को यहीं एंड करने वाले हैं, बट एक इंपॉर्टेंट नोट आपको मैं बता दूं, अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो आई होप कि आप वो स्टूडेंट में से हैं जो हायर मार्क्स लेके आना चाहते हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को अपने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू या इस कोर्स के थ्रू कवर करना चाहता हूं जो या तो फेल होने वाले हैं, वो कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आता मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स, हम फेल हो जाएंगे, हमारा बेसिक्स भी ठीक नहीं है, तो बेसिक्स से समझ लो, सारी वीडियोस देख लो, समझ में आएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। और वो भी स्टूडेंट इन वीडियोस को देख सकते हैं जो टॉप हमेशा आते हैं या फिर हायर मार्क्स लेके आते हैं, क्योंकि मैं उनको इतने बेसिक से कराऊंगा ताकि उनको खुद कोई प्रॉब्लम ही ना बचे। एक्सरसाइज मेंशन है डिस्क्रिप्शन पे, हालांकि इस वीडियो से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज नहीं बनती है, बट जो सीरीज आप देख रहे हैं उस सीरीज में पूरी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज मेंशंस है। ये मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए बच्चों के लिए शूट कर रहा हूं, लेकिन ये वीडियो लेक्चर्स में और कोर्सेज में भी मेंशन कर सकता हूं अगर वहां पर ये टॉपिक आता है, टॉपिक वाइज मेंशन हो सकता है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट नहीं है, अगर बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के फोर्थ सेमेस्टर, जो कि अभी फोर्थ सेमेस्टर है, हो सकता है भविष्य में ये फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाए, हो सकता है, क्योंकि पहले ये फर्स्ट ईयर में हुआ करता था, फिर उसके बाद इन्होंने सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में डाल दिया गया, अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं, हो सकता है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ना हो, किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, तो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन पे एक मेल आईडी मेंशन की है, ये स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होगी, इस मेल आईडी पर जाइए, अपने आप मेरे को मेल करिए, मेल में ये सारी इंफॉर्मेशन आप मुझे मेंशन करें। मैं ये तो नहीं कहूंगा मैं आपके लिए एकदम से सारे कोर्सेज को तैयार कर दूंगा, क्योंकि इसमें महीनों लगते हैं, लेकिन ये हेल्प मेरी अगर आप करते हैं तो मुझे समझ में आएगा कि ये स्पेसिफिक स्टेट में मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स के रिगार्डिंग कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई सी भी क्लास, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, मास्टर्स हो, या पीएचडी कर रहे हो, या कोई रिसर्च कर रहे हो, आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि सर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, मैं पहले उसे एनालिस करूंगा, उसमें एक डेढ़ महीना मुझे सॉल्व करने में, एनालिस करने में लगेगा, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा अगर आप मुझे अपना नंबर देंगे, फिर मैं उसके रिगार्डिंग बुक्स अरेंज करूंगा, जैसे प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई बुक्स अगर पब्लिश होती होगी आपके स्टेट्स में, वो मैं अरेंज करूंगा, पहले उसको एनालिस करने के बाद फिर एक पूरा प्रॉपर कोर्स डिजाइन करूंगा जो आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है, और आने वाले आपके जो है कलीग्स जो होंगे, जो जूनियर्स होंगे, जो आपके बाद स्टूडेंट्स आएंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक मुहिम पे हूं जिसमें कि मैं ऑल ओवर जितने भी मैथ्स के कोर्सेज हैं, जिसके कोई टीचिंग नहीं मिलती है, जिसके लिए कॉलेज के लेक्चर अगर मिस हो जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि सर मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसको समझाने की मुहिम पे हूं, आपका साथ चाहिए,
अगर आप साथ देंगे तो ये बहुत इजी लगेगा। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर को यही फिनिश करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।